दोस्तों जब से इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आई है कुछ लोग विराट कोहली के पीछे पड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं कि कोहली की पटर्निटी लीव बढ़ा दो, उसको लंबी छुट्टी पर भेज दो, उसे इंडियन टीम के साथ साथ आरसीबी से भी निकाल दो। इनका बस नहीं चल रहा वरना 15 दिन का नोटिस देकर कोहली से उनका मकान भी खाली करवा लें। आई थिंक एक्चुअली वी डू नॉट फील्डिंग, यू नो, वी हैड अ रेन अदर डे, सो एक्चुअली वी डू नथिंग। कुल मिलाकर इन लोगों का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया टूर में ये प्रूव हो गया कि रहाणे कोहली से बेटर कैप्टन है और कोहली के पास अब जीने का कोई हक नहीं बचा। मैं मरी जाऊंगा भगवान। रहाणे के सपोर्टर्स का कहना है कि वो बहुत कूल हैं, इतने कूल हैं कि गर्म कॉफी में उंगली घुमाकर उसकी कोल्ड कॉफी बना सकते हैं, गर्मियों में मुंह से हवा छोड़कर कमरे को ठंडा कर सकते हैं, मैदान में इतना शांत रहते हैं कि वो खिलाड़ी कम और बुद्धिस्ट मंक ज्यादा लगते हैं। सपोर्टर्स का कहना है कि रहाणे के इस कूल और कंपोज नेचर की वजह से यंग प्लेयर्स भी खुद पर प्रेशर महसूस नहीं करते और खुलकर खेल सकते हैं। वहीं इन लोगों का कहना है कि कोहली बहुत अग्रेसिव है, इतने अग्रेसिव हैं कि उनके सामने जनरल बख्शी भी कथावाचक लगते हैं। गुदगुदी हो रही है आज, गुदगुद हो रही हो रही है, हम तुमको गुदगुदी करेंगे, हम तुमको गुदगुदी करेंगे। और जब कप्तान इतना अग्रेसिव होता है तो उसके सामने यंग प्लेयर्स ऐसे ही दुबक कर रहते हैं, जैसे गुस्सेल बाप के घर आने पर बच्चे इधर उधर छिप जाते हैं। देखिए, जहां तक रहाणे के कूल नेचर की बात है तो मैं उससे 100% अग्री करता हूं कि अगर आप कूल हैं तो किसी भी टेंस सिचुएशन में ज्यादा अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं, जैसे एमएसडी ले पाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोहली अग्रेसिव हैं तो वो कम इफेक्टिव हो जाते हैं। कोई भी प्लेयर बाय चॉइस कूल या अग्रेसिव नहीं हो सकता, हर किसी का एक बेसिक नेचर होता है। कोहली दूसरी टीम का विकेट गिरने या खुद 100 बनाने पर अग्रेसिव सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उनका नेचर है। इससे यही पता चलता है कि वो बाकियों से ज्यादा अग्रेसिव है या अपने गेम को लेकर ज्यादा एक्सप्रेसिव है। कोहली का रिकॉर्ड बताता है कि वो वन डे क्रिकेट में इंडिया के आज तक के बेस्ट बैट्समैन हैं। चेस करते हुए आज तक किसी एक प्लेयर ने अपनी टीम के लिए इतने मैच नहीं जिताए। चेस करते हुए उनके हंड्रेड्स भी सबसे ज्यादा हैं। आज की तारीख में वो इकलौते बैट्समैन हैं जो खेल के तीनों फॉर्मेट में उतने ही इफेक्टिव हैं। रही बात कैप्टनसी की, तो ये वो कोहली हैं जिनके कप्तानी में पिछली बार इंडिया ने पहली बार एक ही सीरीज के तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया को हराया था, न्यूजीलैंड को वनडे सीरीज में उसके घर में हराया, दक्षिण अफ्रीका को हराया, 19 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचाई। इतना ही नहीं, कोहली इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री के आज तक के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी हैं। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 56 में से 33 टेस्ट मैच जीते हैं। मगर रहाणे की कप्तानी में इंडिया ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती, हम एक झटके में सब कुछ भूल गए। जैसे जूते की दुकान पर नया जूता पहनते ही अपना पुराने वाला जूता बुरा लगने लग जाता है, वही हाल कोहली को लेकर हो गया। लोगों को लगा कि सबसे पहले इसे बदलो। दोस्तों, माना कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने पर हम सब एक्साइटेड हैं, हमें लगता है कि मोदी जी की जगह रहाणे को प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो अपनी पलकों से मटर छील सकते हैं, आंख पर पट्टी बांधकर मोटरसाइकिल चला सकते हैं और एक हाथ से गाड़ी उठाकर दूसरे से टायर चेंज कर सकते हैं। टायर बदल लीजिए। माना वो ये सब कर सकते हैं, मगर कोहली जी का लड़का भी पेटीएम पर स्क्रैच रिमूव करके कप्तान नहीं बना। उस बंदे ने भी कुछ तो किया है। रहाणे भाई अच्छे कप्तान हैं, उससे भी अच्छे आदमी हैं, मगर भगवान के लिए दोनों को भिड़ाने का काम मत करो दोस्तों। किसी को भिड़ाना ही है तो ट्विटर पर जाकर राइट और लेफ्ट विंग वालों को भिड़ाओ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियंस को भिड़ाओ, मगर भगवान के लिए मेरे क्रिकेट को छोड़ दो।
ठाकुर साहब, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझ गरीब के साथ ऐसा मत करो। क्रिकेट के अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। Ralph said the kangaroo team of the Supreme Group of the Sands to you with 12 girls for lands. What if you can't simply scare the same Indian team of the captain the same way when the Singh Dhoni on the betting line of the finishes keeping line of the goal in sands. What if the Indian team of the World Cup support crowd the good year in the sand. How do the CVN save the final, the semi-final? Kya hua? Saring?